हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम रिपोर्ट पोर्टल के फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट पोर्टल के अंदर लॉगिन करने के लिए आपको अपनी आईडी एंड पासवर्ड की नीड होती है। आपकी आईडी आपका क्लाइंट कोड होता है एंड पासवर्ड आपका पैन कार्ड नंबर होता है इन कैपिटल लेटर्स। चलिए अब मैं अपनी लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आईडी मैंने मेंशन कर दी है, देन अब मैं पासवर्ड मेंशन कर देता हूँ। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एंड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा जिसे आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं मेंशन कर देता हूँ, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। डिटेल्स लोड होने के बाद आपका रिपोर्ट पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। आप जो विंडो देख रहे हैं अभी, ये हमारा डैशबोर्ड है। रिपोर्ट पोर्टल का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसके अंदर आपको डैशबोर्ड में ही सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस मिल जाते हैं। सो चलिए पहले फर्स्ट टैब देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फाइनेंशियल बैलेंस। यहाँ आपका क्लोजिंग बैलेंस शो होगा एंड फाइनेंशियल लेजर बटन पे क्लिक करके आप अपनी लेजर डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, जैसा भी आपको शो भी हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेज सिक्योरिटी वैल्यू। यहाँ पे प्लेज शेयर की कॉलेटरल वैल्यू शो होगी एंड टोटल होल्डिंग की वैल्यू शो होगी। व्यू बटन पे क्लिक करके आप स्क्रिप्ट वाइज वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, जैसा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट वाइज वैल्यू शो हो रही है। देन अब हम देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन, ओपन पोजिशन। इस टैब में आप अपने डेरिवेटिव सेगमेंट की ओपन पोजीशन चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ डेट सिलेक्शन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन विंडो। यहाँ आप अपनी ओपन पोजीशन के अगेंस्ट कितना मार्जिन यूज़ कर रहे हैं वो चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ इस बटन पर क्लिक करके आप डिटेल भी चेक कर सकते हैं। कट कर देते हैं इस विंडो को। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, ये डिटेल्स आपको पीक मार्जिन एंड शॉर्ट मार्जिन के साथ नीचे भी देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि अभी हमें शो भी हो रहा है। देन लास्ट ऑप्शन है डे टर्नओवर। यहाँ आप अपने पर्टिकुलर डे का टर्नओवर चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रेड कंफर्मेशन पर क्लिक करके आप डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, जैसा भी आप देख भी सकते हैं। कट कर देते हैं इस विंडो को। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इन सारी डिटेल्स को आप PDF एंड Excel फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन हर विंडो के राइट अपर साइड में दिया गया है। डैशबोर्ड की अभी जितनी भी मैंने आपको डिटेल्स बताई, इन सबको आप लेफ्ट साइड में से भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको इनका ऑप्शन मिल जाता है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट। यहाँ क्लिक करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं। कट कर देता हूँ इस विंडो को। देन देख लेते हैं फंड पे आउट रिक्वेस्ट। यहाँ आपको दो ऑप्शन शो होते हैं, कैपिटल एंड कॉमोडिटी। आपको चूज करना होता है अपना सेगमेंट। देन इसके बाद आपको बैंक चूज करना होता है, सिंपली अमाउंट मेंशन करना है एंड सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे आपकी रिक्वेस्ट सेव हो जाएगी। एंड अगर आपको अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करना है सो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक करेंगे। सिंपली आपको लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है आपको। देन फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा आपको पेमेंट रिक्वेस्ट लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपने जितनी भी रिक्वेस्ट सबमिट करी होंगी फॉर द पे आउट वो आपको शो होंगी। चलिए दोबारा से डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं जो है मार्जिन प्लेज। मैं क्लिक कर देता हूँ इसको। अगर आपको अपने शेयर्स प्लेज करने हैं तो सिंपली इस टैब पे आ जाना होता है आपको। यहाँ पे आपको जिस भी शेयर को प्लेज करना है सिंपली उसके सामने दिए गए सेंड रिक्वेस्ट जो प्रोसेस के अंडर आता है बटन, उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगी, जिसका मतलब है आपकी प्लेज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिसीव हो गई है। एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर आपको ध्यान रखनी होगी कि शेयर प्लेज करने की रिक्वेस्ट आपको शाम 5 बजे से पहले सबमिट करनी होगी एंड उसके बाद आपको एक मैंडेट रिसीव होगा थ्रू SMS एंड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी रिसीव होगा वो, जिसे शाम 7 बजे से पहले आपको अप्रूव कर देना होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे से कॉलेटरल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। बट अगर आप प्लेज रिक्वेस्ट 5 बजे के बाद सबमिट करते हैं तो फिर आपकी वो प्रोसेसिंग कल होगी एंड उसके बाद मीन्स द डे आफ्टर टुमारो आपको कॉलेटरल बेनिफिट मिलना शुरू होगा। देन अब हम देख लेते हैं अगर आपको शेयर अनप्लेज करने हैं सो वो कैसे करेंगे। आप सिंपली मार्जिन अनप्लेज बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जिस भी शेयर को आपको अनप्लेज करना है सिंपली उसके सामने के प्रोसेस बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगी, जिसका मतलब है कि शेयर अनप्लेज की रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ट्रांजैक्शन आईडी भी जनरेट हो गई है। ये था हमारा रिपोर्ट पोर्टल का डेमो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर इसी तरह की आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं सो स्टे कनेक्टेड विद अवर YouTube चैनल। थैंक यू।